हेलो एवरीवन, एसएससी स्ट्रॉन्ग ऑफर्स 2023 का एग्जाम देने जा रहे सारे एस्पायरेंट्स के लिए मैं विश करता हूं कि सबका एग्जाम अच्छा हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी। सब लोग काफी दिनों से लगे हुए थे और आखिरी मोमेंट पे आप लोगों ने पढ़ाई जो अपनी पूरी कर ली होगी, रिविजन सारी कंप्लीट कर ली होगी। लेकिन जाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपना रोल नंबर्स वगैरह आज ही अलग करके रख लीजिए। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसमें इंस्ट्रक्शंस में दिए हुए हैं वो आप पहले ही अलग करके रख लीजिए, बाद में सुबह टेंशन ना हो, क्योंकि कई बच्चों का तो सुबह 7:45 रिपोर्टिंग टाइम है, उनको टाइमली घर से निकलना है। तो ऐसा ना हो कि सुबह कोई डॉक्यूमेंट इधर से उधर हो जाए और बाद में टेंशन हो जाए। टेंशन पे एग्जाम देने में बड़ी मुश्किल होती है, फिर आप अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आप टाइम पे वहां पहुंचिए। अगर आपका 7:45 का टाइम है, आप 7:45 की जगह आप 15 मिनट पहले पहुंच जाइए। कई बच्चे अपनी कार से जाते हैं या कई बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसको इस्तेमाल करके अपने सेंटर्स पे पहुंचेंगे। तो अपने जैसे भी आपको जाना है, आप पूरा अपना अरेंजमेंट पहले ही सोच के और टाइम इस तरह से रखिए कि आप 15-20 मिनट आधा घंटा पहले वहां पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कई बार भागते हुए लोग जाते हैं, गेट बंद हो जाते हैं और फिर उनका साल खराब हो जाता है। हम साल दर साल हम देखते हैं कि इस तरह की गलती बच्चे करते हैं, या किसी कारण से उनका गाड़ी खराब हो गई, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक पूरा साल खराब हो जाता है। आपने पूरे साल में बड़ी मेहनत की है और अब इस दिन अगर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट नहीं होना चाहिए। सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका रोल नंबर, एडमिट कार्ड या उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने के लिए इंस्ट्रक्शंस में कहे हैं, आप सबको पहले अलग करके रख लीजिए। ऐसा ना हो कि सुबह सुबह या उस दिन जाने से पहले आप ढूंढें कि कहां रखें। और कई बार तो बच्चे इस तरह की गलती भी करते हैं, अलग करके तो रख लिया लेकिन कहां रखा है वो भूल जाते हैं, तो उसको सामने कहीं ऐसी जगह पर रख लीजिए जहां पर आपको बाद में दिक्कत ना हो। और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूं कि इस बार जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसके साथ कोविड का सर्टिफिकेट नहीं है। हालांकि इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आपको कोविड का सर्टिफिकेट लेके आना है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है जब से कोविड खत्म हुआ उसके बाद में वो इंसिस्ट नहीं करते हैं कोविड सर्टिफिकेट आपको देने के लिए। और इस बार जब कोविड अब है ही नहीं और उन्होंने इसका सर्टिफिकेट डाला भी नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो कोविड सर्टिफिकेट का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो अगर कोविड सर्टिफिकेट उसमें किसी रीजन में उन्होंने एडमिट कार्ड के साथ रखा है फिर तो आप जरूर डाउनलोड करें और उसको भर के ले जाएं। लेकिन अगर है ही नहीं सर्टिफिकेट, उन्होंने दिया ही नहीं है, तो शायद वो इंसिस्ट नहीं करेंगे, तो इस बात में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पे कई बच्चों के मेरे को फोन आ रहे हैं कि हम क्या करें, अब हमने तैयारी तो सारी कर ली है, अब जो टाइम बचा है उसमें हम क्या करें। सिंपली आप रिविजन करते रहे, खासतौर से उन पॉइंट्स का, जनरल नॉलेज के, जो आपको लगता है कि करंट के पॉइंट्स हैं, आपने बहुत अच्छी तरह नहीं किए हैं या बहुत अच्छी तरह याद नहीं किए हैं, जिसको जब आप मॉक लगा रहे हैं तो वहां पर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप उन पॉइंट्स को स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स के एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि वहां जाके आप और अच्छा अटेम्प्ट कर पाए। पेपर करते टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई बच्चे आता हुआ पेपर उनको, लेकिन फिर भी टाइमली पूरा नहीं कर पाते हैं। आप अपना जो भी सब्जेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रांग है और जिसको आप ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, या जो कम है उसको ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, जो आपको मुश्किल लगता है उसके लिए आप टाइम सेव करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली सोच के टाइम मैनेजमेंट करिए। लेकिन लास्ट में जरूर 5-7 मिनट रख लीजिए पेपर रिवाइज करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप 2 घंटे आपने टाइम मैनेजमेंट में रख लिए और बाद में आपको पता लगा कि 2 घंटे आपके हो गए, कुछ टाइम ओवरशूट हो गया और आपका पेपर रह गया। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। पेपर के बाद में आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा अपना फीडबैक हमें भेज दीजिए कि पेपर कैसा रहा आपका, आपने कैसा अटेम्प्ट किया। आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पे हम उसका कुछ कट ऑफ का प्रिडिक्शन कर पाएंगे। पिछली बार भी जो हमने प्रिडिक्शन किया था, कट ऑफ ऑलमोस्ट वैसे ही गया, तो हम कट ऑफ का प्रिडिक्शन अच्छा कर पाएंगे अगर आप अपना फीडबैक भेजेंगे। आई वुड अप्रिशिएट दैट। आप किस रीजन से हैं और आपको पेपर का स्टैंडर्ड कैसा लगा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको कितना लग रहा है कि आपके ठीक हो जाएंगे,
और फिर वैकेंसीज को और उन सब चीजों को बैलेंस करके क्या कट ऑफ हो सकता है वो फिर हम अगले वीडियो में प्रिडिक्ट करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं सब लोग इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी तरह से जाके पेपर करेंगे, सबका पेपर अच्छा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।